तेज हुई है और अभी मेरा मानना और सोचना है कि भी और भी तेज होना चाहिए, क्योंकि मूल रूप से राजस्व भूमि सुधार विभाग जो है आम जनता का विभाग, आम सरोकार का विभाग, चाहे वो गरीब भूमिहीन क्यों नहीं हो या जमींदार क्यों नहीं, इसमें सारे लोग आते हैं और जमीन सब लोगों के पास है, जिनको नहीं है उनको चाहिए। तो आने के बाद हमने समझा कि इस विभाग को अगर हम मजबूत नहीं करेंगे, अगर इसको सक्षम योग्य नहीं बनाएंगे तो हमारी परेशानी दूर नहीं होगी। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का सोच भी था कि जमीन के कारण ही 60% मामले कोर्ट कचहरी में जाते हैं, तो आज मुझे कहने में कहीं से कोई कोताही नहीं है कि एक वर्ष पूरा हो चुका है। इस एक वर्ष में जो मैंने मेहनत किया है, मेहनत के अनुरूप प्राप्ति नहीं हुई है, लेकिन लोगों में एक जागरूकता जगा है, पदाधिकारियों में एक काम करने की चेष्टा जो होती है उनमें जागरूकता हुआ है, और भी तेज करने की आवश्यकता है। कुछ विभाग के पदाधिकारियों से परेशानी भी है जिसको मैं समझ रहा हूँ। हमारे विभाग के अंदर बहुत सारे कर्मचारी नहीं थे, एमएन नहीं थे, आरओ नहीं थे, डाटा ऑपरेटर नहीं थे, इन सारे लोगों की बहाली हुई है, जिसमें से 534 डाटा ऑपरेटर बहाल होकर के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, 487 अमीन अंचलों में हमने दिया है जो संविदा पर काम कर रहे हैं, और 1767 अमीन पास आउट होकर के आ गए हैं, कल परसों में मेरे विभाग में काउंसलिंग के लिए आ जाएंगे। उसके अलावे डाटा ऑपरेटर मुझे 3883 चाहिए, जिसमें से 534 मुझे मिला है, उन लोगों को मैं हर अंचल में एक बार भेज दिया हूँ, और सभी अंचलों में एक मॉडर्न अभिलेखागार बनना है, जिसमें से 50% बन के तैयार हो गया, और वो मॉडर्न अभिलेखागार जो होगा वो 16 प्रकार का सर्टिफिकेट जमीन से संबंधित उसको ऑनलाइन आप प्राप्त कर सकते हैं। उसके अलावा कहीं केस मुकदमा में या जरूरी हो तो उसको सर्टिफाई कॉपी निकालने के लिए खुद आपको जाना पड़ेगा। तो उस तरह से और डाटा ऑपरेटर आने वाले हैं, और सबसे खुशी की बात है विगत 17 तारीख को 566 रेवेन्यू अफसर, जिनको पहले हम लोग CI बोलते थे, वो पास आउट होकर के आए थे, और उसमें से 500 लोगों ने काउंसलिंग के लिए मेरे पास आया, और 477 लोगों ने ज्वाइनिंग किया। ज्वाइनिंग करके उन लोगों का ट्रेनिंग 25 तारीख से होने की संभावना है, जो गया पटना और सोनपुर डायरेक्ट में होना है, एक महीने का ट्रेनिंग होगा। उस ट्रेनिंग के बाद ये सभी लोग अंचल ज्वाइन करेंगे। अंचल ज्वाइन करते ही ये पहली बार व्यवस्था हमने बनाया है, जिस तरह से IAS और IPS का जब फर्स्ट ज्वाइनिंग होता है वो लोग थाना और प्रखंड में जाकर ज्वाइनिंग करते हैं, उसी तरह हमारे रेवेन्यू अफसर जो होंगे एक हलका का ज्वाइनिंग उनका होगा, उस हलका में जाकर के उनको अमानत भी, वो थ्योरी पढ़ के आए हैं, ट्रेनिंग लेके आएंगे, लेकिन जमीन पे जाकर प्रैक्टिकल भी करना है, और कैसे अमानत किया जाता है, कैसे जमाबंदी काम लिया जाता है, कैसे LPCA दिया जाता है, ये सारी प्रक्रिया को 3 से 6 महीना तक वो ऑन ट्रेनिंग पीरियड में रहेंगे, और ट्रेनिंग में जब अच्छे से काम करके आएंगे वो राजस्व अधिकारी भी रहेंगे, अंचला अधिकारी के अधीन वो राजस्व कर्मचारी भी रहेंगे, अमीन भी रहेंगे, और जिसका उनको जब ज्ञान हो जाएगा तो अपने संबंधित पदाधिकारी कर्मचारी जो उनको काम करके देंगे उसको चेक करने में और व्यवस्था बनाने में उनको लाभ मिलेगा, तब उनका प्रमोशन होगा, तब फिर वो CO बनेंगे। ये व्यवस्था हमने बनाया है, और आने वाले जब सीनियर पदाधिकारी किसी थाने में चले जाते हैं या सीनियर जो IAS IPS होते हैं जब अंचल ब्लॉक में जाते हैं तो वहाँ का एक व्यवस्था सुदृढ़ हो जाता है, उसी तरह से एक हमारे रेवेन्यू अफसर जब जाएंगे तो कर्मचारी की जो शिकायतें हैं, एक सहयोगी अनऑफिशियल लोग जो रखते हैं वो सब हटेगा, और कर्मचारी का भार भी कम होगा, और उसके अलावा 4453 कर्मचारी जो सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए महत्वपूर्ण व्यवस्था का एक मजबूत स्तंभ है जो हमारे पास नहीं आया अभी तक, लेकिन पूरी बातें हो चुकी है, मुझको लगता है कि 30 तारीख तक वो लोग भी आ जाएंगे, इससे पूरे बिहार में जो कर्मियों की कमी है, अधिकारियों की कमी है, पूर्ण हो जाएगा, पूर्ण होते ही काम छोटा फास्ट होगा। आने वाले समय में एक चीज और मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारे राजस्व कर्मचारी होंगे वो अभी तक आज़ादी के बाद सरकार गठन होने के बाद एक ही जिला में कर्मचारी ज्वाइनिंग करते थे और रिटायर भी करते थे। मैं अब पहल करने जा रहा हूँ, वह कर्मचारी स्टेट कैडर से बहाली होता है, उसको स्टेट कैडर का कर्मचारी बना करके और उसके बिहार के किसी भी कोने में ट्रांसफर पोस्टिंग का व्यवस्था करूँगा, जिससे कि एक भारी अनियमितता भ्रष्टाचार कम होगा, और उनको क्योंकि एक ही गाँव में एक ही अंचल में एक ही जिला में रहने से उनको पता है कि हमारे अपने कौन लोग हैं, पराये कौन लोग हैं, दुश्मन कौन लोग हैं, जिनके कागज के साथ छेड़छाड़ करना, व्यवहार करना और जमीन को तहस नहस कागज के मामले में कर देना, इससे भी कमी आएगी। और एक चीज और व्यवस्था मैं करने जा रहा हूँ, जो हमारे कर्मचारी
के साथ साथ जो हमारे 1767 अमीन आ रहे हैं उस वो भी उसी कैडर के बना करके उनपे एक ऐसा व्यवस्था करूंगा, उनको भी एक प्रभार पंचायत हल्का जो होगा कर्मचारी का वो भी दूंगा, क्योंकि उनको भी ट्रेनिंग दे करके, क्योंकि अमीन का काम अब कम बचेगा। क्यों कम बचेगा? इसलिए कि मेरे पास एक अंचल में 3 से 4 अमीन होंगे, इस तरह से काम कम होगा। और एक ETS मशीन जो अभी नियर अबाउट 6 लाख के लागत से मशीन खरीदाएगा और हर अंचल में एक मशीन होगा, वो मशीन एक दिन में 4-5 नापी कर सकता है और उससे स्लॉट बुक होगा, बुक होने का ऑटोमेटिक नापी होगा, तो वो अमीन खाली रहेगा तो उसमें कर्मचारी का भी टैलेंट देंगे, जिससे तो दोनों अनुभव रहेगा, किसी को भी किसी समय हम कहीं भी काम में लगा सकते हैं, बिहार के किसी भी कोने में बैठ सकते हैं, ये हमने व्यवस्था।